हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ये चिवड़े की नमकीन बनानी बताऊंगी। बहुत से लोग इसको पोहा भी कहते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक कप पोहा लिया है और ये आधा कप मूंगफली के दाने। ये कच्ची मूंगफली है जिसको हम फ्राई करेंगे इस नमकीन के अंदर डालने के लिए। और ये मैंने नमक लिया है, ये थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा इसमें कड़ी पत्ते का हम यूज़ करेंगे। ये सूखा हुआ है, आप चाहे तो फ्रेश भी ले सकते हैं। उसको आप जब हम इसको फ्राई करेंगे तो उसके साथ ही हम इसको भी फ्राई कर सकते हैं अगर फ्रेश लेंगे तो। ये थोड़ा सा मैंने चाट मसाला लिया है और इसी में मैंने थोड़ा अमचूर पाउडर भी मिक्स किया है। ये थोड़ी सी मैंने चने की दाल है जो मैं इसी नमकीन में आपको डाल के दिखाऊंगी टेस्ट बनाने के लिए। ये थोड़ी सी मैंने दाल सिमी ली है, बहुत से लोग इसको सेव बोलते हैं, दाल सेव, तो थोड़ा इसका भी यूज़ करूंगी मैं। तो चलिए शुरू करते हैं चिवड़े की नमकीन बनाना। देखिए, यहाँ पर मैंने ये कढ़ाई रख दी है। अब इसमें हम थोड़ा 2 चम्मच घी डालेंगे, आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने ये अभी आधा कटोरी मैंने ये मूंगफली के दाने जो लिए हैं, अब इसको हम सबसे पहले इसमें फ्राई करेंगे। मंदी गैस पे आपको इसको फ्राई करना है हल्का सा, और जब तक ये थोड़े से लाल ना हो जाए तब तक आपको इसको फ्राई करना है दानों को। ये हमारी मूंगफली अंदर से जब सीख जाएगी तो अपने आप ही ये रेड नज़र आ जाएगी। 5 मिनट्स लेटर ये देखिए, ये लाल होने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब हमारी ये मूंगफली जो के दाने काफ़ी हद तक भुन गए हैं। ये देखिए, ये लाल हो गए हैं। ये मैं पास से आपको दिखा देती हूँ, ये दाने 1 मिनट के अंदर अंदर ये दाने आपके भुन गए हैं। अब आपको इसी स्टेज पे क्या करना है, जो हमने ये पोहा जिसे आप चिवड़ा भी कहते हैं, इसको इसके साथ ही हमको फ्राई करने हैं। ये मैंने 1 कप लिए हैं। आपको ज़्यादा नमकीन बनानी है तो उसी हिसाब से ज़्यादा ले सकते हैं, कम बनानी है तो कम ले सकते हैं। इसमें ऑयल मैंने जो 2 चम्मच डाला है, सिर्फ उसी में ही इसको फ्राई करना है। ये मैंने सूखा पोहा लिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने छान लिया था ताकि इसकी सारी डस्ट जो नीचे होती है वो निकल जाती है। स्ट्रेनर में इसको मैंने छाना है, इसी 2 चम्मच में। ये ज़्यादा इसमें ऑयल नहीं लगाना है, बहुत से लोग इसको फ्राई कर देते हैं, लेकिन मैंने इसको फ्राई नहीं किया है, इसको ऐसे ही भुनना है। ये देखिए, दाने के साथ अगर आप लोग मूंगफली कम खाते हैं तो आप इसको मूंगफली के दानों को कम ज़्यादा जो जैसे भी आप करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, ये दाने, ये इसमें पोहा जो मैंने डाला था ये भुनना शुरू हो गया है। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा लाल होना शुरू हो गया, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इसका मतलब ये हमारा भुन के तैयार हो गया है। अब हमें गैस को बंद कर देना है। इसी स्टेज पे हमने जो सूखा कड़ी पत्ता लिया था वो इसमें मिक्स कर देना है ताकि वो भी इसके साथ हल्का सा फ्राई हो जाए। अब इसी में ही हमारे को, ये मैंने छोटी चम्मच चाय की चम्मच है जो यूज़ करी है, इसमें इतनी नमकीन बनाने के लिए 1 चम्मच ये सफ़ेद नमक, आप काला नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। नमक को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। ये 1 चम्मच मैंने लाल पाउडर, लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, और इसमें 1 चम्मच मैंने ये अमचूर पाउडर जो चाट मसाले के साथ ही मैंने मिक्स कर रखा था वो इसमें मैंने मिक्स कराया है। ये देखिए, ये सारे मसाले इस तरह से मिक्स करने के बाद आपको खुद ही दिखाई दे गया होगा कि नमकीन तैयार हो गई है। ये क्योंकि ये कढ़ाई हमारी गर्म है, गैस इस समय बंद है, इस गर्म गर्म में ये आपको ये सारे मसाले डालने हैं ताकि ये सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब अच्छे से मिक्स करने के बाद
आप चाहें तो किसी भी नमकीन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें जो ये दाल सेमी घर की ही बनाई हुई है, अगर आप लोग इसको मतलब बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको भी बनाना बता दूंगी। ये मैंने इसमें थोड़ी सी मिक्स की है, ये देखिए, इसको बच्चे बड़े शौक से खाते हैं इसलिए मैंने थोड़ी सी मिक्स की है। और ये चने की दाल भी, ये भी घर में बनाई है, इसको भी मैंने थोड़ा सा इसमें मिक्स किया है। ये देखिए कितनी अच्छी नमकीन बनके तैयार हुई है, आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी नमकीन बनके तैयार हुई है। ये देखिए, इसे आप कभी भी किसी भी टाइम बना के खा सकते हैं, चाय के साथ। ये देखिए, कभी भी किसी भी टाइम खा सकते हैं आपको बनाकर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय बाय।